हल्द्वानी में जिलाधिकारी दरबार में फरियादियों का तांता लगा रहा। जीएम दरबार में फरियादियों की कई समस्या आई। वहीं लालकुआ तहसील क्षेत्र में हल्दूचूर जयराम गांव भी सड़क संबंधित एवं अजीबोगरीब मामला आया, जिसमें लिंक मार्ग में बंदोबस्ती के नक्शे पर सड़क कहीं 32 फीट चौड़ी तो कहीं 15 और कहीं 12 फीट तक सिमट गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान उनको अतिक्रमणकारी बताकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी वंदना सिंह को ज्ञापन दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया कि हल्दूचूर जयराम गांव से पिछले सप्ताह ग्राम प्रधान के नेतृत्व में एक पक्ष आया था, जिन्होंने सड़क को चौड़ीकरण करने की मांग की थी, जिसकी जांच पर उप जिलाधिकारी को दी गई है। दस्तावेज की जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूर्व में हमारे ग्राम प्रधान हेमा जोशी जी और उनके पति श्री प्रण जोशी जी और कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए थे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर गए थे कि जो जयराम परमा लिंक मार्ग है वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, और जिसके पश्चात हमें एक हफ्ते बाद वहाँ पटवारी आते हैं, नापते हैं और हमें नोटिस का आश्वासन दिया था कि आपके पास नोटिस आएगा। किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वो ज्ञापन दे गए थे उस ज्ञापन में उन्होंने कहा था कि यह लिंक मार्ग जो है सरकारी अभिलेखों में कहीं पर 34 फीट है, कहीं पर 25 फीट है, कहीं पर 12 फीट है, कहीं पर 25 फीट 15 फीट है, और हमारे मेन रोड से देखिए पंचायत भवन तक पटवारी नाप गए हैं और वहाँ पर तक वो नाप करके लगभग 35 फीट पर निशान लगा गए हैं रोड के दोनों तरफ, जो कि गलत है। कहीं सप्ताह भी आए थे एक पक्ष और आज भी एक पक्ष इस रोड के विषय में मिले थे। इसमें कुछ विवाद इस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं कि एक पक्ष अतिक्रमण की शिकायत कर रहा है और नक्शे के अनुसार जो रोड की चौड़ाई है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चौड़ाई निकल कर आ रही है। इसमें SDM हल्द्वानी की अध्यक्षता में हमने जांच के लिए निर्देशित किया है। जो भी रिकॉर्ड के अनुसार वस्तु स्थिति है उसको वो अपनी जाँच से रिपोर्ट देंगे और उसका